जय हिंद भाई सभी को। अभी बज रहे हैं रात के लगभग 10:05 हो गए हैं और अभी जा रहा हूँ मैं हमारा जो दूसरा कैंपस है उसमें उसमें मैंने मान के चलो कि पिछले एक महीने में शायद मैंने अचानक रेड नहीं किए, जाके चेक नहीं किया रात को कि कौन बच्चे पढ़ रहे हैं कौन नहीं पढ़ रहे हैं। काफ़ी दिन का गैप हो गया। फौजी सर जाते रहते हैं लेकिन मैं नहीं जाता। फौजी सर मतलब वहाँ पर है एक वार्डन, लेकिन आज वो वार्डन सर भी छुट्टी पर है। तब देख रहा हूँ कि बच्चे कौन पढ़ते हैं कौन नहीं पढ़ते, ताकि उससे पहचान हो जाती है। पढ़ने वाले बच्चे अलग होते हैं तो उसमें क्या कि दूसरे हॉस्टल में जो बदमाश बच्चे उनको दूसरे में शिफ्ट कर सकते हैं, जो नहीं पढ़ने वाले बच्चे उनको थोड़ा और सख्ताई में रखते हैं इस वजह से। तो अभी जा रहा हूँ मैं हॉस्टल में, देखते हैं कौन कौन पढ़ने वाले बच्चे हैं, कोई नोटिस में आता है पकड़ते हैं भाई। आज रात के लगभग 10:06 हो चुके हैं। चलिए भाई देखते हैं कौन कौन पढ़ रहा है, चेक करते हैं। देखें अच्छा मिल गया एक मुर्गा। कौन है ये? बहुत बढ़िया से आनंद ले रहा है। ये क्या लगा रखा है तुमने? क्या लगा रखे? फिजिक्स के फॉर्मूले। चलो देखते हैं बाकी। उधर सामने वाले में कौन है? पढ़ कैसे नहीं रहे भाई? हैं तो मजे नहीं है यार। अरे भाई पट कैसे नहीं रहेंगे? वो कौन सो गया? क्या नाम है? अच्छा चलो भाई इस रूम में एक रूम पक्का मिला पढ़ने वाला। इसमें देखते हैं मुझे। हाय हाय ये कौन है? हे बैठ, लेट क्यों पढ़ रहा है? सही तरीके से बैठ। हाँ प्रभु क्या पढ़ रहे हो भाई? रीजनिंग पढ़ लो भाई। हाँ कैसे भटक रहा है भाई? बैठ के बैठ, क्या कर रहा है? ये क्या ले रखा है? हाँ देखिए पढ़ने क्या बना रहे? चलो देखिए नीचे चलते हैं भाई, वहाँ पर क्या क्या हो रहा है वो भी देख लेते हैं। ये अचानक से रेड है, इनको किसी को पता नहीं है इसके बारे में। ए बैठ के पढ़, तुम कैसे सो गए इतनी जल्दी? हाँ तो लेट क्यों पढ़ रहे हो? बैठो कौन सो गया? क्यों कहाँ पर क्या जमा रहे हो भाई? इतनी जल्दी कैसे सो गए भाई? अच्छा सर्दी क्या जमा रहा है भाई? दवाई ले रहा। किसकी दवाई डालेगा कहाँ, शरीर तो है ही नहीं। हाँ पर क्या पढ़ रहे हो? हैं करंट जी के? ठीक है वो कौन सा रहा है? हैं रणवीर बुखार आ गया, तबीयत खराब। कब आई? कल आ गया। टेबलेट ले ली उसने?
ठीक है। चलो भाई प्रभु और भी गए चलो रूम में, अभी ज्यादा समय हुआ नहीं है भाई। कोई नहीं बेटे, अब रेड होती रहेगी तुम्हारी बारी बारी, चिंता मत करो। अभी 10 बजे नहीं है, उससे पहले ही तुरंत डलियां ढल गई है। 10 बजने से पहले पहले ही वो तो सो रहा है। पढ़ो, बहुत बढ़िया, पहले सो गए, सोने की तैयारी में थे। सोने की तैयारी में थे। रुको बेटो, कुछ एक इलाज की जरूरत है, बाकी तो ठीक पड़ रहे हैं, 2-4 थोड़ा बहुत इलाज करना पड़ेगा। अरे मुर्गो, 2-4 का इलाज करना पड़ेगा है।